नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। खबर एटा उत्तर प्रदेश से आ रही है। विश्वव्यापी गंभीर कोरोना बीमारी से जूझ रहे सभी देशवासियों को उत्तर प्रदेश के एटा जनपद से एक बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। जनपद एटा के एक डॉक्टर शैलेन जैन ने कोविड-19 के संक्रमण को लेकर 72 घंटे में कोरोना संक्रमण को ठीक करने का दावा किया है। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला विकसित किया है जिससे वे कोरोना पॉजिटिव मरीज को 72 घंटे के अंदर होम आइसोलेट के दौरान ही ठीक कर देते हैं। उन्होंने इसके लिए बड़े स्तर पर ट्रायल के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुमति मांगी है। यदि सरकार ने उन्हें अनुमति दे दी तो कोविड-19 पर ये डॉक्टर जल्द काबू पाने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये वरिष्ठ डॉक्टर एटा जनपद के डॉक्टर शैलेंद्र जैन हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि ये एयरसोल बेस्ड थेरेपी है जिससे कि साइट पर जो भी वायरस है वो किल हो जाता है। इसी एयरसोल बेस्ड थेरेपी से ये कोरोना एंटीजन को 72 घंटे में ठीक करने का दावा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इतनी जल्दी रिक्विट तो किसी भी ड्रग की पॉसिबल नहीं है। इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स हैं, हल्का सा जुकाम, गले में खराश होती है। वे कहते हैं कि हमें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुमति मांगी है। दुनिया को इस खतरे से जितनी जल्दी मुक्ति दिला सके उतना ही अच्छा है। उन्होंने बताया कि इस थेरेपी से उन्होंने अनेकों कोरोना के मरीज ठीक किए हैं। अब वो एक कोविड-19 के संक्रमण जैसी गंभीर बीमारी को वो आगे नहीं फैला सकते। वे कहते हैं कि एंटीजन नेगेटिव करने का अभी तक कोई भी एंटीजन दुनिया में ट्राई नहीं किया गया है। वैक्सीन भी अभी ट्रायल पर है, पर मेरा फॉर्मूला जरूर कामयाब होने का दावा किया है। वहीं डॉक्टर शैलेन जैन अपने इस फॉर्मूले के द्वारा देश को फ्री सेवा देना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि इससे कोविड मरीजों को क्या खर्चा आएगा तो उन्होंने बताया कि इस समय हम देश सेवा करेंगे और खर्चे के बारे में बात नहीं करेंगे, जो कुछ करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। वहीं इस बातचीत में डॉक्टर शैलेन जैन ने एटा में ही अनेकों कोरोना पॉजिटिव मरीज का उनको उनके घर में ही आइसोलेट कराकर 3 दिनों के अंदर अपने इस इलाज से ही सही कर दिया, जिसको लेकर इस एटा के चिकित्सा पद्धति की लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं डॉक्टर की दवा से और थेरेपी से अनेकों लोग ठीक हुए हैं। और आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज करते हुए उनकी कोई भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई, उनका भी इलाज 72 घंटे से ही होने के बाद अपनी जांच सरकारी अस्पताल में भी क्रॉस चेक करवाई, वहां भी उनकी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। इस प्रकार से कोरोना के बहुत से मरीजों को डॉक्टर शैलेन जैन ने इसी थेरेपी से ठीक कर चुके हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों मरीजों को ठीक करने का दावा ये डॉक्टर कर रहे हैं। ऐसे में जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रही है, ऐसे में सरकार को भी अपनी निगरानी में इस थेरेपी और फॉर्मूले का परीक्षण कर लेना चाहिए, और यदि ये उसमें खरा उतरते हैं तो उसको बड़े पैमाने पर देश भर में कोरोना के बचाव के लिए प्रयोग किया जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। माननीय मंत्री जी जो हर्षवर्धन जी मेरे ही मेडिकल कॉलेज के हैं, मैंने उन्हें भी पत्र लिखा है, ICMR को भी लिखा है, और मैं चाहता हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दूं। मुझे किसी भी प्रकार की कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात, यदि किसी भी मरीज को भी मेरी थेरेपी से नुकसान होता है तो मैं उसकी 2,00,000 रुपये से भरपाई करूंगा इंडिविजुअली। और चौथी बात कि मेरी थेरेपी सारी पैथी के साथ कंपेटेबल है, चाहे वो आयुर्वेदिक काढ़ा पीते हो तब भी कंपेटेबल, होम्योपैथी दवाई खाते हो कोरोना के लिए तो भी कंपेटेबल है। बसर वेंटिलेटर लगा हो तो ये सोचना पड़ेगा, लेकिन ये हायर सेंटर में जाके ये भी प्रॉब्लम रूल आउट करी जा सकती है। तो थेरेपी के रिस्क वर्सेस बेनिफिट सबसे पहले कैलकुलेट करने हैं। अगर थेरेपी कामयाब होती है तो डोजिंग सेट होगी, किस डोज में देनी है। अभी तो हम अंदाज से ही काम कर रहे हैं ना, तो जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हम इसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की पब्लिक बहुत आसानी से भरोसा कर लेती है कभी पपीतों के पत्तों पर। तो इसी वजह से हम डिस्क्लोज नहीं करें पूरा प्रोसेस, हम गवर्नमेंट के सामने डिस्क्लोज।